सेना ने उत्तरी कश्मीर के उड़ी सेक्टर में एलओसी पर घुसपैठ का प्रयास कर रहे चार आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए चारों आतंकी पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं। सेना ने मुठभेड़ स्थल और उसके साथ सटे इलाकों में एहतियातन सघन तलाशी अभियान भी चलाया। खबर के अनुसार उड़ी सेक्टर के बोनियार सब सेक्टर में टुरना चौकी के साथ सटे जंगल में सेना ने घुसपैठियों के एक ग्रुप को भारतीय इलाके में देखा। जवानों ने आसपास की सभी चौकियों को सूचित करते हुए घुसपैठियों को ललकारा, तभी घुसपैठियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। साथ ही घुसपैठिये दो अलग अलग गुटों में बट गए और फायरिंग कर वापस भागने लगे, लेकिन जवानों ने कायर आतंकियों का पीछा करते हुए जवाबी कार्रवाई कर उन्हें मुठभेड़ में मार गिराया। ये मुठभेड़ सुबह 8:30 बजे शुरू हुई और पहले दो घंटे के दौरान दोनों तरफ से भीषण गोलियां चलती रही। इसके बाद अगले दो घंटों तक आतंकियों की तरफ से गोलीबारी की तीव्रता कम रही और वो बीच बीच में गोली चलाने लगे। दोपहर तक आतंकियों की तरफ से गोलाबारी पूरी तरीके से बंद हो गई। इसके बाद जवानों ने सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते हुए तलाशी ली तो उन्हें तीन आतंकियों के गोली से छलनी शव और उनके हथियार मिले। मुठभेड़ स्थल पर जवानों को खून के धब्बे भी मिले जो एलओसी की तरफ जा रहे थे। जवानों ने इन धब्बों को सुराग बनाते हुए तलाशी अभियान जारी रखा और शाम को एक और आतंकी का शव बरामद किया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि उड़ी सेक्टर में घुसपैठ का प्रयास नाकाम करते हुए चार आतंकियों को मार गिराया गया है। ये चारों आतंकी पाकिस्तानी हो सकते हैं। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।